अपडेट सर तपन के यार जहाँ पर बता कर ब्लॉग आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मैं हमारी आज डीबीडब्ल्यू की वीडियो में, जिसे बात करने वाला हूँ फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो डीबीडब्ल्यू की सीरीज बहुत खतरनाक होने वाली है हमारी ये, और इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी पिछले 6 वीडियोस के अंदर हम लोग ने बग हंट अलग अलग टाइप के करे और हमने लॉजिक बिल्ड करा है कि भाई किस तरीके से क्या हमारा लॉजिक होता है बग हंटिंग के लिए। ये डीबीडब्ल्यू की लैब आपके लिए काफी यूजफुल होगी अगर आप बग हंटिंग करना चाह रहे हैं और आप लाइव साइट में बग्स ढूंढना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि लॉजिक बिल्ड करना, कि एक बार आपको लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप कहीं भी किसी भी लाइव साइट में बग्स ढूंढ सकते हैं। तो ये सीरीज जो होने वाली है, ये सीरीज आपके सिर्फ हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपके लॉजिक्स को हम लोग बिल्ड कर सके, इसके लिए अपन ने ये वाली सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, तो चलिए आज आज है 7th नंबर की वीडियो, ये है फाइल इंक्लूजन अटैक के बारे में बात करने वाला हूँ कि LFI होता क्या है। आज डायरेक्टली हमारे DBW की लैब पे, DBW मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो DBW जो है डेवलपेबल वेब एप्लीकेशन, ये एक बेसिकली बगी एप्लीकेशन है जिसका काम क्या होता है, बेसिकली ये इसके अंदर इनबिल्ट बग्स है जिसको अपन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फटाफट एक बार तपन से क्लास में जो जो लोग आ गए हैं तो एक बार फटाफट तपन से क्लास में हाजिर लगा दे ताकि अपन अपनी जो क्लास वो स्टार्ट कर सके। और यहाँ पर आ गए हैं सौरभ कुमार आ चुके हैं, ये सब ये सब लोग कौन आ गए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, सलमान खान आ गया, अंबानी जी सब आ गए हमारे यहाँ पे, राहुल आ चुके, तपन भाई तूफान आया, तूफान तपन भाई तूफान, क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। सुजीत आ चुके हैं, इसके अलावा और जितने स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार हमारी क्लास के अंदर प्रेजेंट लगा दें और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बोले थोड़ा डाल चैट बॉक्स में प्रेजेंट सर, तो आइडिया लग जाए कितने बच्चे जो है प्रेजेंट हो गए हमारी क्लास के अंदर। और ये लाइव क्लास चलती है, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो ट्राई करें कि 10:15 बजे के आसपास हमारा लाइव सेशन आता है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है पर कॉमनली हम लोग 10:15 बजे ही रात में लेते हैं। ठीक है ना, गौरव आ चुके हैं, सुभाषी आ चुके हैं हमारे साथ में, ठीक है, सूरज आ चुके हैं, यूप्रो ब्रो थैंक यू सो मच, रैना आ चुके हैं, रैना ठीक है, उसके अलावा यस हैकर ऑन होर्स, यस मिस्टर रिसर्चर आ चुके हैं, आय शिवा कुमार आ चुके हैं, सुभाषीष मिंटो आ चुके हैं, मिंटो बहुत दिनों के बाद भाई कहाँ पे थे, सब्सक्राइब भी कर दो गाइस फटाफट, एक बार सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो ताकि हमारी वीडियो को स्टार्ट कर सके। आज की वल्नरेबिलिटी होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है फाइल इंक्लूजन। आपने सुना होगा कि ना कई बार सर्वर सर्वर पे जो डले हुए सोर्स कोड होते हैं ना वो भी लीक हो जाते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल लूँ तो मैं आज का ही बात कर लूँ, मैं गोडेडी की आपने न्यूज़ सुनी ली होगी फॉर हैकिंग, ठीक है, ये गोडेडी का आपने सुनाई होगा कि भाई हैकर ने हैकर्स रैंक अमोंग इनसाइड गोडेडी फॉर नियरली 3 ईयर्स, और यहाँ पे भाई बिल्कुल गोल्डी की 12 बच्चों, क्योंकि सोर्स कोड भी इसका लीक वीक हो गया था, मैंने सुना है इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और यहाँ सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, स्क्रिप्ट क्रिएटर आ चुका है, सिनिस्ट गेमर आ चुके हैं, बिमल भाई आ चुके हैं, दीपा दीप आ चुके हैं, कोड विद राजू भाई, कोड विद राजू भाई बहुत दिनों के बाद, हेमंत सलोनी आ चुकी है, बहुत बढ़िया, उसके अलावा अभी आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ना इसके अंदर भी है ना इस पर्टिकुलर गोल्डी का सोर्स कोड लीक हुआ था। तो कैसे अपन किसी भी कंपनी का सोर्स कोड लीक हो जाता है सर्वर पर रखी फाइल या कोड, कैसे आप देख सकते हैं डायरेक्टली जब आप ट्राई करेंगे उसको ओपन करने के लिए तो डेटा आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये LFI जो है ना, LFI और RFI दो टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती है, ये दोनों खतरनाक वल्नरेबिलिटी होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर, और ये बेसिकली दो तीन वल्नरेबिलिटी को मिलकर होता है ये। ठीक है ना, हरमूद आ चुके हैं, हमूद आ चुके हैं हमारे साथ में, अफजल आ चुके हैं हमारे साथ में, सौरभ भाई यूजर इन पीस 007 आ चुके हैं, ठीक है, दीपा आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर, ओके दीप वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे हैकर ब्लॉग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं, पहले अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो पेंट PAINT, और यहाँ दिखाता हूँ पहले जो हमारा ये है फाइल इंक्लूजन, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी है ये। अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा फाइल इंक्लूजन, आप ध्यान दे कि आप है ना चीजों को बग्स को है ना उनके नाम से पकड़ने की कोशिश करें, फाइल इंक्लूजन तो मतलब कहीं ना कहीं ये डेटा को मतलब कोई फाइल को ऐड करने की बात कर रहा है, इंक्लूड करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास दो तरीके, स्क्रिप्ट वाले भैया आ चुके हैं, किडी हैकर भाई थैंक यू सो मच भाई सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, ठीक है ना, वीडियो को लाइक नहीं करा था प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, ऐसे कंटेंट आपके लिए अच्छा अच्छा लेकर आते रहते हम लोग। अब ये फाइल इंक्लूजन में दो तरीके से होता ही है, ठीक है ना, एक ये हो गया और एक ये, बहुत इजी वे में समझा दूंगा मैं आपको, LFI RFI दोनों समझ में आ जाएगा आपको, और उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिकल करने पे जाएंगे, दोनों चीजें प्रैक्टिकल करने वाले भाई आज, दोनों चीज समझेंगे, LFI भी समझेंगे RFI भी समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, और ये वीडियो देखने का तो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अब देखो ये हमारा हो गया एक, इधर आ गया अपन, ये दूसरा, ठीक है, यहां पे पहला वाला जो है वो आता है हमारा LFI से बोलते हैं लोकल
फाइल इंक्लूजन, ठीक है, लोकल फाइल इंक्लूजन नाम समझ आ रहा होगा, लोकल फाइल इंक्लूजन मतलब कि कहीं ना कहीं लोकली होस्टेड फाइल्स होती है जिनको हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्किप मत करना, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे, थ्योरेटिकल समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है, वरना आप इस वीडियो का प्रैक्टिकल तो कर लोगे DVW पे, आगे जाके आप लाई साइड में बघंटी नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे कि तपन भाई यार समझ में नहीं आता, और ना बघंटी नहीं कर पाते, कैसे नहीं कैसे आएगा, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। आज कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हमेशा प्रैक्टिकल करते रहना, ठीक है ना। तो LFI दे रखा है, लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है, ये डिजिटल रूट भाई। और दूसरा दे रखा है RFI, ठीक है ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है भाई, ठीक है ना, ये है रिमोट फाइल, INCLU इंक्लूजन, ठीक है, ये हो गया हमारा RFI भाई। फटाफट एक बार सारे सारे लोग लाइक कर दो वीडियो को, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपके भाई की आपसे, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है ना। तो दो टाइप की वल्नरेबिलिटीज पे आज हम डील करने वाले। फाइल इंक्लूजन मतलब कहीं ना कहीं सर्वर के अंदर आप फाइल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आपकी फाइल जो है वो हो सकता है कि जो फाइल आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो हो सकता है कि आप लोकली होस्ट, लोकली होस्ट मतलब कि जिस सर्वर, जिस एप्लीकेशन में आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसी सर्वर पे होस्टेड कोई फाइल हो, ठीक है ना। तो आप एक तो लोकल फाइल इंक्लूजन समझ में आ गया भाई, लोकली जो फाइल सर्वर पे ही ऑलरेडी रखी हुई है उसी को आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान दें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सर्वर पे रखी हुई फाइल है, जैसे मान लो कि मैं facebook.com के अंदर कोई फाइल इंक्लूजन अटैक लगा रहा हूँ, तो फेसबुक के अंदर की सर्वर पे ही कोई फाइल रखी हुई है उसकी को मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, दैट काउंट्स अंडर लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाला जो आता है ना, वो आता है हमारे पास RFI। RFI का मतलब क्या होता है कि ना रिमोट फाइल इंक्लूजन, नाम समझ में आ रहा होगा, रिमोटली मतलब कि जैसे मान लो facebook.com में आप RFI लगा रहे हो, तो RFI के अंदर कोई फाइल आपने दूसरे डोमेन पे होस्ट कर रखी है और वो स्क्रिप्ट, वो पर्टिकुलर कोड आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कहां पे, इस facebook.com में, तो वो क्या आ जाएगा हमारा RFI। समझ में आ गया, एक मिनट और दिखाता हूं मैं थोड़ा सा बना के यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, और ये ठीक है, ये सर्वर हो गया हमारा टारगेट सर्वर, अठारह बाईस ले लेते हैं, टारगेट सर्वर हो गया हमारा, ठीक है ना। ये इसका नाम हो सकता है कि facebook.com, ठीक है। अब इसी facebook.com पे कोई फाइल आपकी पड़ी हुई है, जैसे लेट सपोज की config.txt, ठीक है ना, ये फाइल आपके इसी सर्वर पे रखी हुई है, तो आप चाह रहे हो कि तपन भाई मुझे नहीं पता कि यार ये config.txt के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ है, हो सकता है कि कोई कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो, कोई यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हो, तो आप चाह रहे हो तपन सर मैं इसी फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप इसी फाइल को इंसर्ट करते हो इसके अंदर ही, ठीक है ना, तो ये लोकल फाइल इंक्लूजन में आ जाएगा। अगर मान लो, जैसे मान लो कि मैंने इसी फाइल को URL के थ्रू अब इंसर्ट करना, मतलब आपका एक क्वेश्चन तो भाई कहाँ से इंसर्ट करेंगे, मतलब इनपुट फील्ड में डालेंगे कहाँ करने वाले, तो URL में हम इंसर्ट करते हैं, अभी करके दिखाऊंगा, वीडियो स्किप मत करना, अभी मैं करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आयुष भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो लोकल फाइल इंक्लूजन मतलब कि अगर आपके सर्वर पे ही कोई फाइल रखी हुई है, अगर आपको उसी का कंटेंट व्यू करना है, तो उस कंडीशन में या उसी फाइल को एग्जीक्यूट करना है उस सर्वर के ऊपर, तो आप LFI ट्राई करोगे। RFI के अंदर क्या होता है कि आपका ऑलरेडी एक सर्वर है, ये एक सर्वर है हमारा, यहाँ लगाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये हमारा सर्वर है ऑलरेडी, ठीक है, और आपके पास एक और है, ये हो गया हमारा एक और, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली ये तो हमारा है टारगेट सर्वर, टारगेट सर्वर, समझ में आ रहा है ना, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो समझा रहा हूं मैं, कहीं कोई डाउट हो ना फटाफट चैट बॉक्स में डाल देना, तपन भाई यहाँ पे आ गया, ओके ओके, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक।
ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास रिमोट सर्वर, इस पे कोई फाइल रखी हुई है हमारी exploit.php, ठीक है। और इसका डोमेन होगा आपका abc.com, ठीक है ना। इस डोमेन पे ही अपन ने इस डोमेन के होस्ट, इस सर्वर पे ये फाइल रखी हुई है, ठीक है ना। और आपको इसी को ओपन करना है, इधर इसको आप, है ना, इसमें इंसर्ट करने यूज कर रहे हो facebook.com में, सर क्या क्वेश्चन क्लास है न्यू सब्सक्राइबर मोहम्मद अली। मोहम्मद भाई, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डाल, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप इंस्टेंट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि मैं 100 आपके क्वेश्चन के जो भी इशू आएगा ना, जो भी समझ में कोई दिक्कत आएगा ना, उसका मैं डाउट यहीं पे रिजोल्व कर दूंगा, ठीक कर लेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई एक बार रिपीट कर दो भाई, रुक जा, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। facebook.com के अंदर अगर मैं डेटा को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को, एक्सप्लॉइट को, मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो है ना मेरा क्या बन जाएगा, RFI, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है हमारा लोकल फाइल इंक्लूजन, जहां पे ये एक लोकल फाइल इंक्लूजन हो गया, और ये वाला पूरा सिनेरियो जो है ना, ये क्या है हमारा RFI के अंदर, ठीक है। सर्वर पे रखी हुई फाइल को ही अगर आप इंसर्ट कर देते हैं सर्वर के अंदर ही, और डेटा व्यू कर लेते हैं, अब व्यू कर लेते हैं या उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो वो लोकल फाइल इंक्लूजन में आ जाएगा। नाम समझ में आ रहा, लोकल लोकल मतलब कहीं ना कहीं अपने सिस्टम पे ही होस्टेड है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि RFI मतलब कि किसी और सर्वर पे आपने कोई फाइल होस्ट कर रखी है, और आप उस फाइल को इस साइट, इस डोमेन में इंसर्ट कर रहे हो, वो चीज आपका क्या होगा, RFI में आ गया होगा, ठीक है। अब बताओ फटाफट कि LFI RFI में अंतर समझ में आ गया, कोई भी डाउट ऑफ डाउट एक बार डाल दो चैट बॉक्स में। सलोनी मैंने रिपीट कर दिया है, कहीं डाउट में चैट उसमें डालो एक बार कि हाँ तब समझ में आ गया। चलो प्रैक्टिकली तरफ बढ़ते हैं, अब फास्ट 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 चैट उसमें डालो फटाफट मुझे एक बार, गाइस फास्ट फास्ट, 11:15 बज रहे हैं भाई, फास्ट फास्ट, अभी आधे बच्चे तो सोने में लगे होंगे। भाई चढ़ाओ एक बार चैट उसमें डाल दो मुझे कि भाई समझ में आया या ना, आया या नहीं आया, ऑल क्लियर डाल दो, ऑल क्लियर पता चल जाएगा मुझे। फास्ट फास्ट, यस ठीक है, गेमर भाई को आ गया, जिनेश गेमर, चलो बहुत बढ़िया। और बाकी सबका क्या सीन है भाई, 31 लोग देख रहे हैं, यस गौरव को आ गया, सुभाषिश को आ गया, यस सर डन, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नितिन भाई, यूजर इन पीस समझ में आ गया, यस ऑल क्लियर, रहना आ गया, पीयूष को आ गया, सौरभ को आ गया, सौरभ को बोले एक बार रिपीट कर दो, करता हूँ रुको एक मिनट और, देख लेते दे कितने लोगों को इशू है। सौरभ को आ गया, सौरभ सिंह को इशू है, सौरभ कुमार को दिक्कत नहीं है, गौरव को आ गया, सुभाषिश दास को आ गया, और कोई यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया विमल भाई। सागर ने बोला एक बार रिपीट कर दो, दो लोगों ने बोला एक बार रिपीट कर दो, और देखते कितने लोग बोलते हैं रिपीट करने के लिए। सलोनी ने बोला यस सर, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई ये फिशिंग मेथड है क्या, नहीं भाई फिशिंग मेथड नहीं है, ये फिशिंग से इसको इंटरप्रेट मत कर देना कि लिंक भेज के हम कर रहे हैं, नहीं वो अलग है, यहाँ हम डायरेक्ट फाइल इंसर्ट करवाते हैं, फिशिंग लिंक में हम लोग लिंक देते हैं बस। रिसर्चर नो, बहुत बढ़िया। मिस्टर घोस्ट आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ वापस से मैं, कि भाई जो ये है हमारा फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी होता है, ये वल्नरेबिलिटी बेसिकली किस लिए काम आता है, किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए वेबसाइट के अंदर आता है, ठीक है ना। अब ये इंक्लूड जो होता है दो तरीके से होता है, आइदर वो जो फाइल जिसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हो, जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, वो उसी के सर्वर पे आपने होस्ट कर रखी है। हो सकता है कि आपन ने अपलोड वाला जो फीचर का यूज करते हो, अपन ने एक एक्सप्लॉइट डाल दिया हो उसके सर्वर पे, और उसी सर्वर को आप, है ना, उसी सर्वर पे जो फाइल है ना उसका पाथ आपको पता हो, आप उस पर्टिकुलर फाइल को रन करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में लोकल फाइल इंक्लूजन की जो जो वो है एक्सप्लॉइट है, वो सर्वर पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो LFI में आ जाएगा। RFI जब आप कोई रिमोटली फाइल आपने अपलोड कर रखी दूसरे डोमेन पे, और उस डोमेन से उस फाइल को आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी अदर डोमेन में, तो जब कोई दूसरा डोमेन यहाँ पे रोल में आता है, तो समझ जाओ ये क्या है, RFI, रिमोट फाइल इंक्लूजन, ठीक है। ये रिपीट कर दिया मैंने एक बार और, अब सीधे आते हैं DBW की लैब पे कि भाई इसको परफॉर्म कैसे करना होता है। तो आप देखो यहाँ पे पहले आप जाओ कि फाइल इंक्लूजन पे जाते हैं अपन, नीचे आता हूँ मैं, मीडियम पे कर रखा है, मैं थोड़ा सा जाके इसको जाता हूँ लो पे सेट करता हूँ। जिनको इनके मीडियम और हाई वाले, हाई और इम्पॉसिबल वाले लेवल सीखने हैं, तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, हम इसकी वीडियो बना रहे हैं अभी, तो इस मंथ का हमारा टारगेट है कि, है ना, हम लोग DBW को ही निपटाएं, ठीक है ना। तो ज्वाइन करके, ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे जाके, ठीक है ना।
लो वाला, मीडियम वाला जो रहेगा वो साइबर पंक में मिल जाएगा आपको, और जो कुछ हाई रहेंगे वो साइबर गीक में मिलेगा आपको, और मानिया वाले के लिए सब चीजें रहेगा, उसके लिए मीडियम भी रहेगा और ना हाई भी रहेगा और इम्पॉसिबल भी रहेगा। सबके अंदर इम्पॉसिबल कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, जिसमें पॉसिबल होगा उसमें कवर करूंगा, ठीक है ना। साइबर पंक लेते तब भी आपको मीडियम लेवल की तो वल्नरेबिलिटी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, इवन अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं और फेसबुक अगर आपके पास इजीली एक्सेसिबल है, तो आप फेसबुक पे हमारा पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, हमें लिंक डाला हूँ चैट बॉक्स में, अगर नहीं करा तो जाके कर लो भाई, गाइस फटाफट एक बार जाके कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आधे फटाफट अपने इसके ऊपर। हाँ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन LFI एंड आवर डायरेक्टेड ट्रैवर्सल। डायरेक्टेड ट्रैवर्सल अटैक के अंदर, मतलब देखो वो जो है ना, वो डायरेक्टेड ट्रैवर्सल के अंदर जब हम करते हैं ना डॉटर स्लैश, वो सेम ऐसा ही है, LFI की तरह ही मानते हैं आप उसको, क्योंकि उसके अंदर भी अपन लोग डायरेक्टरीज को इनोमिनेट करते हैं, अपन फाइल का डेटा व्यू करने की कोशिश करते हैं। यस, दोनों की सेम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इवन आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हैकर ब्लॉग ऑफिशियल जो है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं हमें फॉलो करना तो भाई आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पर लिंक डाल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, डॉट प्रैक्टिकल पे आते हैं ऑफिस से। प्रैक्टिकल के लिए कहाँ चला गया हमारा, ये रहा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ना वल्नरेबिलिटी दे रखी है फाइल इंक्लूजन। तो पहले आप देखो यहाँ पे क्या रखा है कि आपके पास फाइल है, फाइल 1.php, फाइल 2.php और फाइल 3.php। जैसे मैं फाइल 1.php पे क्लिक करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पेज पे जो कोड होगा ना वो रन करेगा, और वो दिखा रहा था योर आईपी एड्रेस एस जो भी है आपका आईपी एड्रेस, तो मतलब इसका आईपी एड्रेस दिखाने वाला था ऐसा काम, फाइल 1.php का, मतलब दोनों को एक बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भाई, ठीक है ना। तो ये वाला जो फाइल 1 था, इसके अंदर का क्या काम था कि भाई ये आईपी एड्रेस दिखाने का काम कर रहा है। बैक करता हूँ मैं इसके अंदर, और फाइल 2.php पे करता हूँ मैं, तो प्रतीक जैन बिल्कुल इसके ऊपर ही मैं लूंगा, जल्दी लूंगा मैं, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने फाइल 2.php पे करा, तो यहाँ पे कोई कंटेंट जो ना वो लिखा हुआ होगा, आई नीडेड अ 8 करेक्टर पासवर्ड करेक्टर लॉन्ग, सो आई पिक्ड स्नो व्हाइट एंड ऐसा कुछ दे दिया इसने, ठीक है ना, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, तो ये फाइल 2.php के अंदर आ गया। अब मैं फाइल 3.php क्लिक कर रहा हूँ, तो फाइल 3.php के अंदर भी कुछ फाइल थी, कोई डेटा था जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेरे, ठीक है। अब मतलब कि आप देखो इसको तो आपने देख लिया, अब URL में जाके देखो यहाँ पे फाइल उस पर्टिकुलर पेज का नाम यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये सबसे वल्नरेबल है यहाँ पे। ये प्रैक्टिस सबसे खराब होती है कि आप URL में कभी भी आप कोई फाइल को पास मत करो, कोई पेज को पास मत करो, जो डेटा वहां पे रीड हो गया आपके पेज पे ही नजर आ रहा है। अब देखो पेज इक्वल्स टू फाइल, बैक करता हूं मैं, सीक्वेंस देखो फाइल 1.php के ऊपर कुछ है, फाइल 2.php के ऊपर है कुछ, और फाइल 3.php के ऊपर है, तो हो सकता है कि शायद कोई फाइल 4.php के ऊपर भी होना चाहिए। तो आप इसी सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है, तो आप इस सीक्वेंस को फाइल 4.php करेंगे, तो और आप एंटर मारते हैं, तो देखो यहाँ पे एक हिडन फाइल जो है ना अपन ने इनोमरेट कर ली है। अब इसका मतलब ये नहीं, तमन भाई ये तो बहुत ईजी हो गया, मतलब तो कोई भी कर लेगा, फाइल 1 2 3 चल रहा है, तो हाँ सीक्वेंस में आप फॉलो करते चले और आप वहां की जो इंटरनल फाइल, अब देखो यहाँ से देखो इसमें मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे फाइल 4.php करना कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे मकसद ये है कि इस फाइल में जो कॉन्टेंट था ना वो मैंने व्यू कर लिया यहाँ पे, समझो चीज को कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फाइल में जो कंटेंट था ना, जो भी डेटा इसमें स्टोर था वो मैंने व्यू कर लिया है। तो मतलब आप ना तो भाई फिर इससे तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो भी कोड वगैरह अवेलेबल है ना, बैकएंड का कोड वगैरह अवेलेबल है उसको भी व्यू कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड के कोड में हम लोग कई बार क्वेरी वगैरह पास करते हैं, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड पास करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई डेटा को व्यू कर सके अपन सर्वर से? तो बिल्कुल हाँ पॉसिबल है कि आपने कोई फाइल डाली है, हो सकता है कोई PHP का शेल हो। अभी अपन यहाँ पे ना नीचे आप जाएंगे ना, तो कल क्लास लूंगा मैं फाइल अपलोड के अंदर, तो यहाँ पे अपन शेल इंजेक्शन करके दिखाऊंगा मैं आपको, शेल इंजेक्ट करेंगे अपन, तो हो सकता है कि अपन ने कोई शेल अपलोड कर दिया है पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी का यूज कर सकते हैं, और उस फाइल का नाम यहाँ पर, या पूरा पाथ, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी डायरेक्टरी में ये फाइल मिल जाएगी आपको, उसका पूरा पाथ डाल सकते हैं अगर सर्वर पे आपको ढूंढना है तो। अब पहली चीज अपन भाई ढूंढेंगे कैसे, सही बात है ना, सर्वर पे कहाँ रखी मुझे नहीं पता उसका, पर मुझे एक दो फोल्डर का नाम पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि अंदर क्या फाइल पड़ी है। इसका एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं आपको, थोड़ा समझ में आएगा आपको। अब जैसे मान लो कि मेरे इस कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे ना, सी ड्राइव के अंदर मैं जाता हूँ, तो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे रैम दे रखा है, रैम पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एस टी डॉक्स आएगा, क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, और एस टी डॉक्स पे क्लिक करके मेरे यहाँ पे DW दे रखा है, यहाँ पे DBW के अंदर, मतलब एस टी डॉक्स तो हमारा मेन फोल्डर हो गया हमारा, ठीक है, इसी के अंदर हम लोग सारी फाइल्स वगैरह डालते हैं, और यहाँ पे मेरा
DWW एप्लीकेशन है, और साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं पीछे आता हूँ, जैम पे आता हूँ, और अपाचे है यहाँ पे, अपाचे में कोई ऐसी फाइल है यहाँ पे, ठीक है ना, अबाउट अबाउट अंडरस्कोर अपाचे। तो आपने बोला कि कूलेस्ट प्रोग्रामर का एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, तो मैं 2 मिनट 2 सेकंड वीडियो को रोकना चाहूंगा। हमारे एक भाई ने, कूलेस्ट प्रोग्रामर जिनका नाम मुझे पता नहीं है, अपना चैट बॉक्स में नाम डाल दो भाई, भाई ने हमारी वीडियो देख के अपने 100 एनालिस्ट का जो है अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे अभी इस टाइम पे देख रहे हैं हमारे हमारे वीडियोस को, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे आप लोग कूलेस्ट प्रोग्रामर को कि उन्होंने अपने चैनल को, मतलब अपने चैनल से वीडियो दे दे के वो एक इंटरव्यू क्लियर कर पाए। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि हमारी है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हमारे सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देख के बहुत कुछ कर पा रहे हैं। एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अच्छा लगता है जब कोई हमारे सब्सक्राइबर से काम करते हैं तो। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई नितिन, भाई नितिन वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुभाषिश, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है गौरव, बहुत अच्छी बात है। देखो ये हमारी हैकर ब्लॉग की फैमिली है, जहाँ पे हम लोग कोई भी कुछ अचीव करता है ना, तो हम सब के सब अप्रिशिएट करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स कूलेस्ट प्रोग्रामर कि इन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया विमल भाई, थैंक यू सो मच। सूरज भाई थैंक यू सो मच। यूजर इन पीस 07 थैंक यू सो मच गाइस, विश करने के लिए भाई को अपने। ठीक है, तो अब आपने बोला कि तपन भाई मैं ये जो है ना अबाउट डॉट अबाउट अंडरस्कोर अपाचे का मैं डेटा में व्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ये डेटा ही है मेरा, इसको मुझे व्यू करना है, पर मैं डायरेक्टली देख नहीं पा रहा हूँ, या मुझे डायरेक्टरी का नाम पता है, डायरेक्टरी क्या है अपाचे, और फिर क्या है कि अबाउट अंडरस्कोर अपाचे के अंदर ही है। तो मैंने अगर जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बना रखा है, इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। अब आपने बोला तपन भाई मैं ऐसा करता हूँ, इसके फाइल के आगे डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अपाचे एक फोल्डर है, थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए और भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ डायरेक्टरी का नाम डाल दिया अपाचे, और स्लैश लगा के अबाउट अंडरस्कोर अपाचे डॉट टीएक्सटी डाल दिया। अब मैं एंटर देखता हूँ कि क्या मैं इस फाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं खुला, क्या दे दिया, नो फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। तो भाई इधर पोपट हो गई हमारी, तो मतलब जिस फोल्डर के अंदर हम है ना, उस फोल्डर के अंदर अपन एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस फोल्डर में ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है कि अपन को फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। तो यार तपन सर ये तो खतरनाक काम हो गया, फोल्डर के ढूंढने वाले यूआरएल में फोल्डर कैसे ढूंढेंगे भाई, अगर सीएमडी होगा तो वहां पे cd/\ls/dir करके ट्राई कर लेंगे, पर यूआरएल में तो भाई अपने दिमाग के ऊपर से जाती है चीजें, क्या कैसे ढूंढेंगे कैसे इसके यूआरएल के अंदर। तो भाई सिंपल तरीका कुछ नहीं करना आपको, आपको एक लगाना डॉट डॉट स्लैश स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी पीछे, जितने डॉट डॉट स्लैश लगेंगे ना उतने डायरेक्टरी पीछे जाएगा वो। सो अभी वो कौन सी डायरेक्टरी इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, FI डायरेक्टरी के अंदर है, दिख रहा है ऊपर जो डायरेक्टरी के नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं, नजर आ रहा है आपको, FI वल्नरेबिलिटी और DVWA, उसके बाद जाके वो स्पेस देगा। हाँ बिल्कुल कूलेस्ट प्रोग्रामर सही बोला, DR सर्च का यूज कर सकते हैं अपन। इसके बाद अपन और आगे जाएंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, ST डॉक्स में पहुंच जाएगा, DWW पहला वाला बैक, सेकंड वाला बैक, थर्ड वाला बैक, और फोर्थ वाले बैक में वो htdocs से बाहर आ जाएगा जहां पे अपाचे वाला फोल्डर है। तो अपन इसको ट्राई करते हैं वन बाय वन करके, देखते हैं कंटेंट डिस्प्ले होता नहीं होता, ठीक है ना भाई। भाई टूल यूज करो, मैं मैनुअल दिखा रहा हूँ, मैनुअल से करेंगे तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तब होगी जब आपका, जब आप है ना बिना टूल का यूज करोगे, ठीक है ना। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, एक बार टूल क्या काम कर रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टूल यूज करना सही है, शॉर्ट टर्म में अच्छे से काम कर देगा, पर आपको लॉजिक पता होना चाहिए टूल कैसे काम कर रहा है। इसलिए मैं डायरेक्टली टूल नहीं दिखा रहा, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैनुअली दिखा रहा हूँ आपको वन बाय वन करके। बढ़िया पॉइंट समझ में आ गए सबको, थोड़ी मेहनत अपन को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है पहले वाली चीज के लिए, पर एक बार ये वीडियो समझ में आ जाएगी ना, मैडम जी बढ़िया कैसे बढ़िया, तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब मैंने एक बार करा डॉट डॉट स्लैश, फिर मैंने एक बार और करा, तो भाई दो बार डायरेक्टरी पीछे आ रहा हूं मैं, लेट्स चेक क्या होता है भाई, कुछ होता है कि नहीं होता है, कॉपी कर लेता हूं इसको मैं, बिल्कुल बॉब से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला गौरव ने, फिर नहीं आया, ओ यार फिर दिक्कत होगी, दो बार मैं पीछे आया तब भी नहीं मिला मुझे, एक बार और डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं अपन, एंटर मारते हैं तब भी नहीं मिला, यार चक्कर पड़ गया है तो भाई, मतलब 3 बार तो कर दिया, फिर एक बार और लगा देते हैं डॉट स्लैश, ओ यार अब भी दिक्कत आ गई,
डॉट स्लैश। ओ भाई तो ब्रो ही बाहर आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत दे रहा है कि भाई यहाँ पे अपन पेज, हाँ, बिल्कुल सही बोला, डायरेक्टली डायरेक्टली आप चेंज करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कि जो भी कंटेंट आ रहा है ना वो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले होएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक बार इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे निकाल डॉटर से लगा, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मास वाला दिखने दिखता नहीं है यार ब्रो, ठीक है। एंटर मारते ही देखो डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। इश्यू क्या आ रहा था कि मैंने आगे स्लैश लगा दिया, आगे स्लैश नहीं लगता, सॉरी मेरी मिस्टेक थी, ठीक है ना। आगे स्लैश लगाई था, इस चक्कर में ये इशू आ रहा था। आपको भी ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अनकट वीडियो बनाते हैं। अगर दिक्कत है ना भाई तो मैं आपके सामने ही क्लियर करता हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है ना तो ये गलती आप भी कभी ना कभी करोगे और आप भी कंफ्यूज होंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग साथ में बैठ कर इसको रिजॉल्व कर लें, और जो गलती मैंने करी वो आप कभी ना करो मेरे हिसाब से। तो ये एक अच्छी चीज है हमारी कि हम अनकट वीडियो बनाते हैं, और लाइफ के अंदर जो दिक्कत होगी, हो सकता है कि कभी मेरा कोई अटैक चले भी ना, तो मुझे उसमें भी शर्म नहीं आती बोलने में कि भाई मेरा नहीं चल रहा, कल देखेंगे इसको, ठीक है ना। बिल्कुल सौरभ, इसके अंदर आप है ना ट्रिपल डॉट भी कर सकते हैं यूज, STT को भी अपन कैपिटल कर सकते हैं, बहुत सारी इवेजन टेक्निक्स हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं, जो आपके मीडियम और हाई और क्रिटिकल के अंदर, इम्पॉसिबल के अंदर अपन डील करेंगे, ठीक है ना। अभी दिख रहा होगा पूरा कंटेंट जो है ना इस पेज का डिस्प्ले हो गया, ऐसे करके अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो फाइल है ना अबाउट अंडरस्कोर अपाची डॉट TXT, ये फाइल जो है ना सर्वर पे ही रखी हुई है, और इसी सर्वर के अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, दिख रहा होगा 127.0.0.1, मेरे मेरे लोकल सिस्टम का ही है, और ये फाइल भी मेरे लोकल सिस्टम पे रखी हुई है। इसलिए हम इस अटैक को बोलते हैं LFI, लोकल फाइल इंक्लूजन। चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट, क्या बोलते हैं इस अटैक को गाइस, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो एक बार, क्या बोलते हैं इस अटैक को गाइस, फटाफट चैट बॉक्स में डालो इस अटैक को क्या बोलते हैं। अरे यार ऐसे आप कर रहे हो, डाल दो भाई, क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में इसको, इस अटैक को हम क्या बोलते हैं, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो प्लीज। क्या बात है भाई, अबे सो तो नहीं रहे तुम, 11:30 हो रही है जो। हाँ अब आया यूजर इन पीस ने पहला वाला कमेंट डाला, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। LFI क्रैश एक्स ने डाला, गौरव ने डाल दिया, लोकल फाइल इंक्लूजन सुभाषी ने डाल दिया, सौरभ ने डाल दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। और देखो फटाफट कितने कितने लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी, वेरी गुड, क्रैश एक्स ने डाल दिया, अब जब भी आपको कोई ऐसा कोई URL दिखे भाई, टूल करके दिखाओ भाई, जब आपका मैनुअल में काम हो रहा है तो टूल पे क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है आपको, आपका तो मैनुअल में काम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैनुअल में जो, और एक्चुअली मैनुअल के ही पैसे हैं, बहुत बढ़िया, टूल चला के तो सब कर देंगे भाई, LFI RFI निकाल देगा टूल ऑटोमेटिकली, पर अगर आप मैनुअल करके दिखा रहे हो ना तो ये मैनुअल ही काम आता है आगे फ्यूचर में भी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा मैनुअल पे ही भरोसा करता हूँ, टूल पे थोड़ा कम करता हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो भाई अपन ने ये क्या कर दिया, LFI वाला काम कर लिया अपन ने, और यहाँ पे जो फाइल थी उसका डेटा अपन ने डेटा जो अपन ने व्यू कर लिया, तो ये LFI वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, इसी के अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे अपन को एक fi.php अपन को ढूंढना होता है, ये हैकेबल के अंदर होता है, ठीक है ना। अब हैकेबल भी इसके अंदर डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये स्पेशली उनके लिए था जैसे /passwt, ठीक है ना, /passwt, ऐसी कोई कॉन्फिग्रेशन की फाइल हो जो कॉमन है, मतलब डिफॉल्ट होती है यार, ये तो होगी सरी ना, php.ini, ये तो होगी सरी ना सर्वर पे, तो उन उस टाइप की फाइल को अपन ढूंढ सकते हैं। और कोई कस्टम फाइल से उसको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पता नहीं वो चीज रहे ना रहे। 25 कमेंट्स कर रहे हैं, 25 लाइक कर दे जाकर। हाँ भाई फटाफट एक बार ना प्लीज जाके एक बार कमेंट, सॉरी अपने लाइक, वीडियो को लाइक भी कर दे। डार्क लाइफ बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। ओ पर यहाँ पर सब लोग हैकर है, बिल्कुल दिप्यन भाई, यहाँ सारे सारे हैकर है, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी हैकर है, मैं भी हैकर हूँ, मैं भी थोड़ा पढ़ा देता हूँ बच्चों को, और बच्चों को भी बहुत अच्छी नॉलेज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको, 31 लोग हैकर है यहाँ पे, और सबके सब बहुत नॉलेजेबल है, मुझसे भी कई बार कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, मेरे पास जो कॉन्टेंट है मैं वो शेयर कर रहा हूँ भाइयों के साथ में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये हैकेबल डॉट फ्लैग /flag.fi.php, मुझे ऐसा कॉन्टेंट व्यू करना है, तो भाई आप इसे डॉटर स्लैश एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं है भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और अब ये डॉटर स्लैश ट्राई करता हूँ,
ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे दे दिया हिडन लाइंस। तो ऐसे ऐसे हम लोग फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये चीज, ठीक है ना, कि ना क्या डेटा वहां पे स्टोर कर रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा LFI होता है, डॉट स्लैश का ध्यान दें आपको, ठीक है ना, आपको बस एग्जैक्ट डायरेक्टरी का नाम पता होना चाहिए। डॉट स्लैश मल्टीपल टाइम लगाते रहे, स्टार्ट करें 1 से 2 3, जितनी बार लगा रहे ना उतनी बार डायरेक्टरी को चेंज कर रहा है, एक से पीछे आया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे मल्टीपल टाइम पीछे आता जा रहा है वो। कोई दिक्कत नहीं भाई, सब सीखने के लिए बैठे हुए हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी सीखने के लिए बैठे हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, समझ में आ गया आपको वाली चीज कि ना भाई कैसे इसको करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, जब भी आप किसी वेबसाइट को लाग, अब लाइव साइट पे सर कैसे ढूंढेंगे इसको, लाइव साइट में आप पहले ये चेक करो कि URL के अंदर, मतलब URL के अंदर कोई ऐसा कोई पेज पास हो रहा है जिसका डेटा हमें यहाँ पे व्यू हो रहा है, या कोई ऐसा पेज पास हो रहा है जिसकी वजह से डेटा कुछ बन रहा है, कोई फ्रेम बन रहा है पेज के अंदर। अगर कोई पेज पास हो रहा है, कोई URL पास हो रहा है, या फिर कोई ना पर्टिकुलर किसी फाइल की वजह से आपको डेटा देख पा रहे हैं आप, तो उस फाइल को रिप्लेस करके आप विंडोज और लिनक्स, पहले आपको ये जानना है nmap से आप स्कैन करें और ये जान लें कि लिनक्स सिस्टम है कि विंडोज है, ठीक है ना। अगर विंडोज है तो विंडोज की फाइल ट्राई करें, डिफॉल्ट फाइल जो होती है, अगर मान लो आपकी लिनक्स है तो लिनक्स की फाइल्स ट्राई करें आप, ठीक है ना। और जैसे /passwd ये कॉमन फाइल है, ठीक है ना, /shadow ये बहुत कॉमन फाइल है, ठीक है ना, जिनमें पासवर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है ना, हैश स्टोर होते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। अब दूसरी चीज क्या है तपन भाई, मेरे को LFI तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब LFI तो मैंने कर लिया पर मैंने तो कोई सर्वर फाइल अपलोड ही नहीं करी, तो अब क्या करें उस कंडीशन में भाई? लीगल है, लीगल है राहुल भाई, लीगल है। अगर आप गूगल के थ्रू कोई भी साइट उठा के अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो आप भाई। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे भाई। हैक द बॉक्स का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा भाई? ट्राई कर रहा हूं मैं, पहले इसको निपटा दूं एक बार, वन बाय वन लेके चलेंगे भाई, टेंशन मत लो, वन बाय वन लेके चलेंगे, पहले DBW निमट जाए आपका, उसके बाद मैं हैक द बॉक्स पे भी आऊंगा, वो भी तबियत से करेंगे, टेंशन मत लो, वन बाय वन चलने दो अभी, है ना। अब बीच में कोई नया मैं स्टार्ट नहीं करने वाला, क्योंकि भाइयों को बोला है कि सर्वर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, तो पहले ये निपटाएंगे अपन नीचे, है ना। और वीडियो देखो, अभी ये सब निपटाना अपन को, फाइल अपलोड, इनसिक्योर कैप्चा, SQL, SQL इंजेक्शन, ब्लाइंड, फिर आ गया ये दोनों, देख सकते ले लूंगा मैं, सेशन वीक सेशन ID, XSS डोम, रिफ्लेक्टेड स्टोर, CSP बाईपास, ये सब लेने अभी मुझे, ठीक है ना। तो वो सब लेके फिर अपन आएंगे उस वाले वीडियो पे, चलो ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लो ये तो LFI हो गया, अब RFI जो है ना इससे कोई बड़ा नहीं है। RFI जो है ना बेसिकली क्या करना है, अपन को इसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर अपन रिमोटली कोई फाइल अपनी अपन ने अपलोड कर रखी, उसके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है ना। कोई अपन ने एक्सप्लॉइट डाल रखा है, कोई पेज अपन ने बना रखा है, उसको अपन इंसर्ट कर दे, जिसकी वजह से जो डेटा है ना वो यहाँ पे रन करे और सर्वर का प्रोसेसिंग पावर वो यूज करे, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने कोई लूप जनरेट कर रखा है, कोई लूप मैंने बना रखा है और वो फाइल मैंने इंसर्ट कर दी, कहीं अपलोड कर रखी है और वो फाइल मैंने इंसर्ट कर दी यहाँ पे, और इस पेज के ऊपर अगर वो लूप चल गया तो उस कंडीशन में इस सर्वर का वो प्रोसेसिंग पावर जो है ना कंज्यूम करना चालू कर देगा, तो वो इस सर्वर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली वो साइट का नाम डाल दो जो जो आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। मैम का सेशन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, एक दो दिन में मैम भी स्टार्ट करेगी सेशन लेना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी कोई इस डोमेन के बाहर की फाइल डाल रहा हूँ, दैट कम्स अंडर रिमोट फाइल इंक्लूजन, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो मैं URL के अंदर कोई ऐसा पेज पास कर रहा हूँ, सो गिव योर इंस्टाग्राम आईडी ब्रदर, भाई इंस्टाग्राम आईडी में देता हूँ आपको, ये इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो वॉलो कर लेना भाई आप, ये देता हूँ, ये फेसबुक आईडी है, फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई अगर मान लो URL के अंदर कोई ऐसी फाइल अगर आप पास कर रहे हैं जो फाइल उसके डोमेन पे नहीं है, जिस डोमेन में आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, RFI, रिमोट फाइल इंक्लूजन, ठीक है ना। और अगर मान लो आपने URL में कोई ऐसा फाइल पास करा है, कोई ऐसे फाइल की आप कोई ऐसी फाइल की लोकेशन डाल रहे हैं जो सर्वर पे ही प्रेजेंट है, तो वो आता है लोकल फाइल इंक्लूजन, और एंटर मारता, देखो मैंने ये साइट का नाम डाला और एंटर मार, दिख रहा पूरी साइट ओपन हो गई इसके अंदर, और फिर नीचे अपना ये DBW खुल गया। हाँ बिल्कुल, कह सकते हो आप इसको, नहीं ये रिडायरेक्शन में नहीं जाएगा, रिडायरेक्शन में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। रिडायरेक्शन वाला अलग है बेटा, सर रिडायरेक्शन वाला अलग है, जहां पे रिडायरेक्ट फंक्शन आप यूज कर रहे हो और आप पेज को डाइवर्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर URL पे, वहां पे डोमेन को व्हाइटलिस्ट करना होता है कि भाई इन्हीं डोमेन पे वो रिडायरेक्ट करे,
और यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम फाइल को इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इधर भी वैसा ही आएगा। पर आप OWASP टॉप 10 को लेके चलोगे ना तो उस कंडीशन में फिर आप चीजों से बाहर हो जाओगे। अपन DBW को लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना भाई। FTP सर्वर बाईपास आप चेक कर सकते हैं हमारी सीरीज मेटा एक्सप्लोइटेबल की, उसमें पूरा दे रखा है। ठीक है राघव भाई, बहुत बढ़िया। मैं सच में आ गया। तो ये क्या है, रिमोट फाइल इंक्लूजन, क्योंकि मैंने एक रिमोटली फाइल जो मैंने होस्ट कर रखी थी, मैं रिमोटली एक URL को मैंने इंसर्ट कर दिया, और वही अगर मेरे लोकल फाइल के लोकल सर्वर पे जो मैंने फाइल डाली हुई है अगर मैं उसको इंसर्ट करता तो वो LFI में आता। ठीक है, तो ये आपकी वल्नरेबिलिटी थी LFI RFI जो मैंने आपको ट्राई करी एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी, ठीक है ना। कोई डाउट इसके अंदर तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो डाउट एक बार। कोई भी डाउट आपको इस वाले सेशन में हो चैट बॉक्स में डाल दो डाउट एक बार, अदरवाइज सेशन को आज एंड करा जाएगा। गाइस फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो अगर मान लो कोई भी डाउट है तो। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी हम लोग हैं, तो व्लॉग अंडरस्कोर हैकर के नाम से है। तो भाई अगर हो तो आप आओ ट्विटर के ऊपर, फॉलो वॉलो कर लो बढ़िया भाई। और वीडियो को एक बार फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट आपके लिए बना के लेकर आते हैं हम लोग, लॉजिक बिल्ड करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए आपको। और आई होप कि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्लियर हो पा रहा होगा आपको। शिवांश बहुत बढ़िया, कोई डाउट हो तो प्लीज, दोनों समझ आ गया, बहुत बढ़िया। बर्ब से हैकिंग कब सिखाओगे भाई? बर्ब से हैकिंग में ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें आपको बर्ब सूट की वीडियो मिल जाएगी। प्लीज शॉर्ट में अगेन एक्सप्लेन कर दो। अरे राहुल भाई तुम हमेशा लेट आते हो, फिर बोलते हो आप एक्सप्लेन करो। चलो ठीक है यार भाई, पब्लिक बोलती है तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये देखो ये रहा जो वल्नरेबिलिटी है वो है फाइल इंक्लूजन अटैक। फाइल इंक्लूजन मतलब नाम समझ में आ रहा है कि इंक्लूड करना फाइल को, इंसर्ट करना। अब ये इंसर्ट हो सकता है कि आपके उसी सर्वर पे, जिस सर्वर पे आप इंसर्ट कर रहे हो उसी सर्वर पे कोई फाइल पड़ी हुई है और आप उसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोकल फाइल इंक्लूजन में आता है। इसका पर्पज क्या होता है कि उस साइट का, उस पर्टिकुलर फाइल का डेटा व्यू करना या उस फाइल को एग्जीक्यूट कराना उसी सेम सर्वर पे, ठीक है ना। RFI जो है वो है रिमोट फाइल इंक्लूजन। RFI का मतलब होता है कि जब आप कोई फाइल इंसर्ट करा रहे हो वो किसी अदर डोमेन पे होस्टेड है, और उस फाइल को जब आप इंसर्ट करा रहे हैं इस पर्टिकुलर अपने टारगेट सर्वर पे, तो वो RFI के अंदर आता है। ये वाला बग लाइव भाई, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि तो मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। पहले तो साइट वो वल्नरेबल हो जो वो देखे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप बैठे बैठे क्या करोगे, जब तो मैं ढूंढ ही रहूंगा, तो वो कभी और लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। अब ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्टली URL एनालिसिस करना, जिस भी साइट की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसका URL आप देखते रहो। अगर उसके URL में कोई ऐसा इस टाइप का कोई पेज पास हो रहा है, तो वहां पे फिर आप ये LFI और RFI ट्राई कर सकते हैं भाई। सूरज भाई ये DBW निमटने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा API की सीरीज। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो सर्वर पे फाइल नहीं है तो आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आइधर वो उसी सर्वर पे हो या फिर वो किसी रिमोट सर्वर पे आपने अपलोड कर रखी हो। थैंक यू धवन भाई, थैंक यू सो मच राहुल भाई। शिवांश ने क्वेश्चन, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर सीमोस बैटरी की से रजिस्ट्री मेमोरी और कैशे मेमोरी हैक कैसे करें? भाई नहीं भाई, इसका आंसर नहीं पता मुझे, सीमोस बैटरी से कैसे हैक करोगे? सीमोस से होता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो सिर्फ बैटरी हमारे सिस्टम की क्लॉक के लिए होता है, उससे आप कैसे मेमोरी का कैशेस निकाल लोगे? भाई मुझे नहीं पता इसका, और मेरा तो होता भी नहीं होगा। सर प्लीज एनी सजेशन, बकराउड में कौन सा प्रोग्राम पिक करें, बिग या स्मॉल? और बिग में क्या ट्राई किया था, डुप्लीकेट निकला। स्मॉल में ट्राई किया, क्लाउड फ्लेयर आ रहा है, बाईपास ट्राई किया फिर भी। तो भाई आपको ये बिग और स्मॉल की जरूरत नहीं है, आपको पहले ये चेक करो कि ना कौन से नए प्रोग्राम है, नए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। मुंबई से लवा आपको, थैंक यू सो मच राहुल भाई। टेपन भाई ओके बढ़िया। सर RFI इज मोर इम्पैक्टेबल देन LFI? हाँ RFI इज मोर इम्पैक्टेबल, बिल्कुल वो कह सकते हैं, क्योंकि RFI में अपन कहीं से भी कुछ फाइल इंक्लूड कर पा रहे ना, और LFI की कंडीशन ये कि सर्वर पे फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई। इंस्टा महाराजा राज, इंस्टा हैक कैसे करें, हमारी वीडियोस देख लो जाके, लाइव वाली वीडियो देखना मजा आ जाएगा आपको। सर हैकर ब्लॉग में बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है। भाई हैकर ब्लॉग में आ तो रही है अभी भी, तो हैकर ब्लॉग अच्छा लाइव में नहीं आई है ना? हाँ बिल्कुल यार, लाइव में लूंगा मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, लूंगा लूंगा लूंगा। एक्चुअली उसमें कंटेंट अच्छा बनाना पड़ता है इसलिए। इंस्टा हैक करना है तुझे डम कर देना आता है सब। राहुल मुंबई में किधर से हो? सर रियल साइट पर अगर ऐसा ट्राई करूंगा बार बार तो वो वेबसाइट का फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा क्या?
नहीं भाई, ये अगर मान लो इस अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में एनकोडिंग टेक्निक ट्राई कर लो, ठीक है ना। अगर मान लो डायरेक्टली अगर वो आपको ना मतलब डॉट स्लैश हो सकता है कि ना डॉट स्लैश जो है ना हो सकता है कि वो आपका ब्लॉक करा हुआ, तो उस कंडीशन में अपन को बाईपास तरीके अपनाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा डॉट डॉट और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्लैश स्लैश। थैंक यू सो मच शशांक भाई सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, सो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हैकिंग डिवाइसेस। अभी अभी नहीं, अभी हैकिंग डिवाइसेस के ऊपर ले लेंगे भले, अगर आप बोलोगे तो वीडियो सर RFI में वेब सेल अपलोड करके दिखा देते तो बेटर रहेगा भाई। अभी है ना कल वाला जो वीडियो रहेगा ना उसमें दिखाऊंगा मैं आपको, ये फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी रहेगी जहाँ पे अपन एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब यहाँ पे अपन अपलोड करेंगे और फिर फाइल इंक्लूजन के थ्रू अपन उसको इंसर्ट करेंगे। कल मैं दोनों चीजें लूंगा इसलिए मैं आज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल मैं ये फाइल अपलोड करूंगा क्योंकि एक्चुअल में तीन चार चीजें आती है ना उसके बाद जाके नजर आता है, ठीक है ना। दो तीन वल्नरेबिलिटी मिलती है ना सर्वर पे तब जाके फिर आप है ना कहीं एक बग हंट कर सकते हो, इसलिए बोला भाई, ठीक है ना भाई। लाइव इसमें जाओ, लाइव पे क्लिक करो और फिर नीचे वीडियो देख लो, मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम कैसे हैक करें और गर्लफ्रेंड का अकाउंट कैसे हैक करें सब दे रखा है भाई ने आपके। और भाई ये आपका इंस्टाग्राम का भाई का वो है अकाउंट, तो प्लीज एक बार जाके भाई का थोड़ा सा प्यार दिखाओ आप चैनल के ऊपर, बताना भाई कैसा लगा भाई का इंस्टाग्राम का फोटो वोटो डाले हैं भाई ने अपने, अभी टूर होकर आया अपना। तो फेसबुक इन्फॉर्मेशन हैकिंग कैसे करें भाई, फेसबुक का इन्फॉर्मेशन हैकिंग कैसे करें भाई, उसके लिए तो वीडियो नहीं है भाई। एक्चुअली हम लोग तो बग हंटिंग में बनाते हैं और है ना जैसा टेस्टिंग बनाते हैं, ये फेसबुक हैकिंग गेम हैक कर लो, इंस्टाग्राम हैक कर लो, गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर लो। सर आज का मीटिंग अच्छा था, आप आज आपके दर्शन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आ रहा भाई। ARV राहुल जो है हमारे कैंपस एम्बेसडर है, ठीक है ना, और कैंपस एम्बेसडर से मैं डायरेक्टली लाइव गूगल मीट पे इंटरेक्ट करता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो भी मुझे देख पाते हैं मैं भी उनको देख पाता हूँ। तो अगर आपको भी बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना एक बार। सर मुझे लगा आप महाराष्ट्र नासिक से हो, अरे नहीं रे भाई, वो लैंग्वेज थोड़ी लगती होगी, चलो थोड़ा मुंबई में बहुत ज़्यादा रहा हूँ ना इसलिए, फुल समझ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, सर कोलेबरेटर से RFI कीजिएगा सर, बिल्कुल भाई बिल्कुल सौरभ भाई बिल्कुल, एक बार मैं ट्राई करूंगा उसको भी। सर लाइव रोज होता है क्या, अगर नहीं तो कब कब होता है और कितने बजे स्टार्ट होता है? मिस्टर घोष भाई मेरे साथ देखो, मैं क्या होता है कि मतलब हम लोग काम भी करते ना कई बार, तो कई बार अगर हमारा वर्क का लोड होता है ना तो उस कंडीशन में मैं रेगुलर नहीं ले पाता, पर मैं अभी तो यहाँ रेगुलर ही ले रहा हूँ। मैं रात में जब भी होगा ना 10:15 बजे ही होगा हमारा सेशन, 10:15 से 11 के बीच में, ठीक है ना। तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, एक्चुअली थोड़ा सा मैं पंचुअल नहीं हूँ तो नोटिफिकेशन बेल जो है ना दबा देना, ताकि आपको जब भी आए ना तो आधे घंटे में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। और अगर आप चाहो तो ना इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, इस पर मैं स्टोरी पर डाल दिया करूंगा मैं, ठीक है ना। अब से जो भी सेशन लूंगा मैं पहले स्टोरी पर डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी के थ्रू आइडिया मिल जाएगा कि सेशन कब है आज का, ठीक है भाई। फिशिंग का न्यू टूल पता है तो बताओ ना भाई, फिशिंग के ऊपर भाई काम नहीं करते भाई सर, बिकॉज ऑफ यू मैंने एक्सेस का के 10 बग फाउंड किए। थैंक यू सो मच राहुल भाई, कि ना हमारी वजह से, हमारी वजह से नहीं, एक्चुअल मेहनत तो आपकी है, हमने सिर्फ आपको गाइड करा है और शायद उससे आपने अच्छा कर पाया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सर एक क्वेश्चन था, FB ऐप और पर पासवर्ड ब्रूट फोर्स होता है तो वो बग है क्या? हाँ भाई, अगर मान लो FB ऐप के ऊपर पासवर्ड ब्रूट फोर्स होता है ना तो बग है वो, पर वैसे तो हो नहीं रहा होगा, पर अगर हो रहा है तो बग है भाई। मजा आ गया, थैंक यू सो मच भाई सौरभ भाई। तो भाई इसके ऊपर फॉलो वॉलो कर लेना जिन्होंने नहीं करा है, जो नए हैं, और अगर ट्विटर पे है तो भाई ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई यार, भाई तीन फॉलो जो करने करना क्या आपको और और ये फेसबुक वाला भी है भाई, इसको तो आप जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, मेरा काम भी खत्म हो गया है। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, आई होप आपने आज हमारे सेशन को एंजॉय करा होगा, और आपको यूट्यूब सेशन स्टार्ट होने से पहले आता है मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आई होप आपने हमारा सेशन एंजॉय करा होगा और आपको इससे हमारे सेशन से नॉलेज मिली होगी, नॉलेज मिली तो प्लीज चार लोगों के साथ में शेयर करना ना भूले हमारे इस चैनल को, ताकि आपने जो फ्री में नॉलेज गेन करी है ये चार लोगों तक और पहुंच सके, और उन चार लोगों को बोलो कि वो चार लोग आगे भी शेयर करें, और उन चार को बोलो कि वो चार को बोलो कि और आगे शेयर करें, और इस तरीके से हम लोग फ्री में एजुकेशन जो है वो आगे आगे तक बढ़ते रहेंगे, और अच्छी प्योर नॉलेज मिलेगी आपको प्रैक्टिकल के साथ में, ठीक है ना। फिर इंस्टा का लिंक डालता हूँ मैं चैट बॉक्स में, अगर आप इंस्टाग्राम पे तो प्लीज भाई को फॉलो करना ना भूले, ठीक है, अपडेट्स लेने के लिए डाल दिया मैंने, और इसलिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस।